हाय अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उस्मान ताहिर और इस वक्त मैं टरंडा कोट समावे मौजूद हूँ। हम टरंडा जा रहे हैं कोट समावे से होते हुए और रास्ते में रुके क्योंकि हमारी गाड़ी पीछे रह गई। तो हम यहाँ आए इस वेदर को एंजॉय करने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट नवंबर ख़त्म और दिसंबर शुरू होने वाला है। ग्लासेस मेरा आ गया, मैं लगा लूँ। आ जाओ, तुम भी आ जाओ बेटा। तो वीडियो में तो हमारे साथ आ सकती है बच्ची। पीछे देखें आम के दरख्त हैं और इस तरफ मुख्तलिफ दरख्त हैं, लेकिन हम जा रहे हैं अभी स्पेशल उन बागात में जहाँ पे किन्नू, मौसमी, माल्टा और ऐसी तमाम चीज़ें जो इस मौसम की सौगात हैं और बहुत लोग इन्जॉय करते हैं। ठंड फिलहाल नहीं है, लेकिन रात होते ही ठंड बढ़ जाएगी। तो मैंने अपना हुडी शुडी का भी इंतज़ाम किया हुआ है और सारी फैमिली साथ है। तो थोड़ा घुमाएं, वो बैठी हुई बाकी लोग वो बैठे हुए हाल बाकी लोग वो बैठे हुए और मैं ये रही। और बहुत मज़े का व्यू है और कितना सुकून है, मतलब यहाँ इतना सुकून है। कराची में हर तरफ आपको कैसे नज़र आती है, टी टाप आ जाए, आप मोबाइल हाथ में कैरी नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, लोग रास्ता नहीं देते, रोड इधर उधर कर देते हैं। अच्छा, एक साहब मिला, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? ठीक है। ये रास्ता किधर जाता है? ये रास्ता में जाता है। अरे भाई, यही हमें लेके जा रहे हैं, अजहर भाई है और पिछली दफ़ा भी यही लेके गए थे हमें गाँव। और हम इन्हीं के साथ इन्हीं के रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, मतलब हमारे भी हुए लेकिन इनके ज़्यादा, इसलिए कि ये हमें लेके जा रहे हैं वहाँ। लेकिन जब यहाँ आते हैं थोड़ा मज़े का व्यू आपको दिखाती हूँ। इतना हसीन लग रहा है, इतनी प्यारी लाइट पड़ रही है और चारों तरफ बागात ही बागात है। जहाँ नज़र पड़ती है कहीं गन्ने के नज़र आ रहे हैं पौधे, दरख्त, कहीं आम के दरख्त नज़र आ रहे हैं, कहीं माल्टे ये नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, यहाँ इतनी शांति, इतना सुकून है कि सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। हर बंदा अपने काम से फोकस है। 8 बजे रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, कोई चिक 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 पिक नहीं है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। सोनू इस वक्त जितनी भी वीडियो देखेंगे वो सोनू को ना रहे हैं, और सोनू कौन है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देखिए कितने मज़े का यहाँ, मतलब यहाँ अगर गर्मियाँ भी हैं तो गर्मियों में भी आपको गर्मी नहीं लगती क्योंकि चारों तरफ दरख्त इतने घने हैं कि उनका जो वो साया है आपको ठंड देता है। अच्छा, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, सुबह से बहुत बीमार हूँ, बहुत खुदा शक्ल पर मर जाएगा, सुबह से बहुत बीमार हूँ। लेकिन ये व्यू दिखा रहा था आपको कि व्यू देखें कितना हसीन है, चारों तरफ से दरख्त में घेरा हुआ है आम के दरख्त से। और यहाँ अगर आप अपनी मंजी डालते हो और उस पर बैठते हो तो गर्मी का पता ही नहीं चलता। तो बड़ा अच्छा ट्रैक्टर वहाँ से गुजर रहा है, वो बात में दिखाऊंगी क्योंकि आगे भैंसे गाय आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। और हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हमने फ़ायदा उठाया है, हमारी गाड़ी पीछे रह गई है, पास हमारी गले के वैसे दी एंड हुआ है, लेकिन आज ये आवाज़ आप बर्दाश्त करें, मर्दाना आवाज़ हो गई है। व्यू बहुत हसीन, हम लोग जा रहे हैं विलेज यानी कि गांव एंजॉय करने फैमिली के साथ। आज पूरी फैमिली साथ है, मेरी मामू की बेटी है नदी मामू की, बाकी सारे बच्चे, मामी, सब लोग साथ हैं, एक गाड़ी में पूरे भाई लोग हैं, दूसरे कज़न। आई थिंक गाड़ी आ गई है, हमें हॉर्न की आवाज़ आई है, तो बातें मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।